हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो लास्ट वेरिएंस है जिसका नाम है ओवरहेड वेरिएंसेस, आज वो शुरू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सेल्स वेरिएंस की दो अप्रोचेस करवाई थी, एक वैल्यू अप्रोच और एक मार्जिन अप्रोच। आज हम ओवरहेड वेरिएंसेस, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, वो वेरिएंस शुरू करेंगे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओवरहेड वेरिएंसेस यहां थोड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है कि ओवरहेड्स बहुत बुक्स के अंदर, वेरिड बुक्स के अंदर वेरिड ओपिनियंस है, वेरिड फॉर्मूले लगा रखे हैं, या पता नहीं लगता कि कौन सा फॉर्मूला किस वेरिएंस के अंदर हमने, किस क्वेश्चन के अंदर हमने पुट करना है ताकि हमारे वेरिएंसेस निकल जाए। तो मैंने इसको सिंपल टर्म्स में करने के लिए कुछ एब्रीवेशंस यूज की हैं, उससे आपके वेरिएंसेस बड़े इजीली आसानी से निकल जाएंगे। ओवरहेड वेरिएंसेस के अंदर पहले एक चार्ट बनाते हैं कि कौन कौन से वेरिएंस होते हैं। सबसे पहले होता है टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस। अब अगर कॉस्ट ना भी हो, टोटल ओवरहेड वेरियंस भी कह सकते हैं। टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, ओवरहेड का कॉस्ट वेरियंस, टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, राइट। ये वेरियंस दो पार्ट में डिवाइडेड है, टोटल वेरिएबल ओएच मींस ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, एंड दूसरा है टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस। आपको पता है ओवरहेड दो तरह के होते हैं, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। वेरिएबल आगे दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, शॉर्ट नेम एफिशिएंसी वेरियंस भी कह सकते हैं, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस, राइट। एफिशिएंसी एंड एक्सपेंडिचर, तो तीन हो गए। टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस इज मेड अप ऑफ एफिशिएंसी वेरियंस एंड एक्सपेंडिचर वेरियंस। फिक्स्ड वाले थोड़े ज्यादा होते हैं, इसमें वॉल्यूम वेरियंस, पहला कौन सा होता है, पूरा नाम इसका होगा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, वॉल्यूम वेरियंस, और यहां है एक्सपेंडिचर और बजट वेरियंस, एक्सपेंडिचर और बजट वेरियंस। वॉल्यूम वेरियंस आगे तीन पार्ट में डिवाइड है, वॉल्यूम के हमारे तीन पार्ट हैं, वॉल्यूम वेरियंस इज मेड अप ऑफ कैलेंडर वेरियंस, कैपेसिटी वेरियंस एंड एफिशिएंसी वेरियंस। कैलेंडर, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, ये सारे वेरियंस है, कैलेंडर, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर को लिख देता हूं ताकि ये दिखता रहे।
कैलेंडर कैपेसिटी एफिशिएंसी। तो टोटल वेरिएबल ओ ये वेरिएबल वाला पार्ट है, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, इसमें एक एफिशिएंसी है एक एक्सपेंडिचर है, मतलब वेरिएबल में सिर्फ तीन है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस एक, इसमें वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को बजट भी कहते हैं, वॉल्यूम आगे कैलेंडर कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और एक टोटल दस वेरियंस होते हैं टोटल। अब मैंने एब्रीविएशंस यूज किए हैं, वीओ थ्री माइनस वीओ वन प्लस एफओ फाइव माइनस एफओ वन। अभी हम करेंगे ये वीओ वन थ्री फाइव ये क्या होते हैं। दिस इज वीओ थ्री माइनस वीओ वन, दिस इज VO3 minus VO2, this is VO2 minus VO1। अब देखो ये दोनों अगर टोटल होंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, 3 minus 1, 3 minus 1, FO5 minus FO1, this is FO5 minus FO2, this is FO2 minus FO1, this is FO3 minus FO2, this is FO4 minus FO3, this is FO5 minus FO4। याद करने का बड़ा इजी वे है, सीक्वेंस में चल रहा है, ये देखिए 2 3 4 5 1 2 थ्री फोर एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। वॉल्यूम वेरियंस इन सब के टोटल के साथ टैली करेगा, कैसे ये देखिए, फोर फोर कट गया, थ्री थ्री कट गया, फाइव माइनस टू रह गया फाइव माइनस टू, इन दोनों का टोटल इससे टैली करेगा, कैसे टू टू कट गया फाइव माइनस वन फाइव माइनस वन। सारे बोल रहा हूं मैं, वीओ थ्री माइनस वीओ वन, VO3 minus VO2, VO2 minus VO1, ये साइड हो गई, FO5 minus FO1, FO5 minus FO2, FO2 minus FO1, FO3 minus FO2, FO4 minus FO3, FO5 minus FO4। और इन दोनों के पहले पहले वेरियंस का जो टोटल है वो टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस बन जाता है, VO3 minus VO1 plus FO5 minus FO1। ये चार्ट है, मैं अकेले अकेले करके दिखाऊंगा, पहले आपको ये सारा पता होना चाहिए। लीजिए पहले हम वेरिएबल वाला पार्ट लेते हैं, वेरिएबल ओवरहेड वेरियंसेस। अभी तीन बताए, टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, फॉर्मूला क्या था, वीओ थ्री माइनस वीओ वन इज मेड अप ऑफ दो है, एक मैं शॉर्ट में अब लिख रहा हूं, एफिशिएंसी वेरियंस, पूरा नाम होगा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, एक्सपेंडिचर वेरियंस, फॉर्मूला वीओ थ्री माइनस वीओ टू, VO2 minus VO1। अगर इन दोनों को टोटल करते हैं तो ये वाला बन जाएगा, क्लियर।
अब मैं जरा ये बता दूं, वन टू और थ्री क्या चीज होती है? व्हाट इज वीओ वन? एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे तो आपको वीओ वन बताना पड़ेगा पहले क्या होता है। दिस इज एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स इन रुपीज गिवन, ये आपको दिए होंगे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स इन रुपीज गिवन। स्टैंडर्ड रेट ऑफ ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आर्स, बहुत आसान है, लिखने में थोड़ा मुश्किल लगता है। एक्चुअल रेट ऑफ ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड रेट ऑफ ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आर्स का मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स को टोटल स्टैंडर्ड आर से डिवाइड करो, टोटल एक्चुअल आर से मल्टीप्लाई करो। स्टैंडर्ड ओवरहेड्स अपॉन टोटल स्टैंडर्ड आर्स इनटू टोटल एक्चुअल आर्स, टोटल का मतलब क्या होता है? जैसे हमने लेबर वेरियंसेस में निकाले थे, वर्कर्स इनटू आर्स इनटू डेज, ये बनता है टोटल। क्वेश्चंस में बच्चे गलत करते हैं, लिखा होता है आर्स आर 8000, सारे 8000 लिखे, आगे लिखता है वो पर डे, सारे वर्कर्स के मिला के पर डे इनटू 25 डेज इन अ मंथ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो इनटू 25 भी करना पड़ेगा। तो सिर्फ आर्स नहीं लेने, टोटल आर्स लेने हैं, मतलब वर्कर्स इनटू आवर्स इनटू डेज, जो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो सारी मल्टीप्लाई करके नीचे लेना, ऐसी एक्चुअल में लेना। ये बन जाएगा स्टैंडर्ड रेट, जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं वो स्टैंडर्ड रेट ऑफ ओवरहेड बन जाता है फॉर एक्चुअल आर्स, जिसका स्टैंडर्ड ले रहे हो उसी का एक्चुअल आर्स है, यहां भी आर्स है। तो रेट निकालने के लिए पहले आर से डिवाइड कर दो ओवरहेड्स को, ये रेट पर आर निकल गया, फिर उसको एक्चुअल आर से मल्टीप्लाई कर दो, वो निकल जाएगा स्टैंडर्ड रेट ऑफ ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आर्स, स्टैंडर्ड रेट ऑफ ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स अपॉन टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट यूनिट्स, मतलब इनटू टोटल एक्चुअल आउटपुट्स। यहां आर्स लिए थे, यहां आउटपुट लेनी है, आउटपुट यहां आर्स लिए थे, यहां आउटपुट लेनी है, ध्यान रखना है आउटपुट। ये टोटल कैसे बनेगा? वर्कर्स इनटू आवर्स इनटू डेज इनटू यूनिट्स, क्वेश्चन में लिखता है कि एक यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर्स लगते हैं, तो सारे स्टूडेंट गलती करते हैं 2 ले लेते हैं, वो तो एक घंटे के यूनिट है। इनटू वर्कर्स इनटू आवर्स इनटू डेज करोगे तब टोटल आउटपुट बनेगी। वीओ वन इज एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, वीओ टू इज स्टैंडर्ड रेट फॉर एक्चुअल आवर्स, थर्ड इज स्टैंडर्ड रेट ऑफ ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, टोटल टोटल लेना, यहां आवर्स लेना या आउटपुट, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है वो वाला छोड़ देंगे, फिर वो वेरियस भी नहीं निकलेगा। ढूंढना नहीं है कि सारा कुछ ही हो, सपोज आपके पास आर्स नहीं गिवन तो वीओ टू नहीं निकलेगा, सिर्फ वीओ थ्री निकलेगा और वीओ वन निकलेगा, वीओ थ्री और वीओ वन से सिर्फ पहला वेरियंस ही निकल पाएगा, वो ही निकालेंगे बस, टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस ही निकल पाएगा।
अगर आउटपुट नहीं है तो ये वाला नहीं निकलेगा, सिर्फ टू और वन निकलेगा, और टू और वन से हम सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरियंस ही निकाल पाएंगे। क्लियर? तो जरूरी नहीं सारी इंफॉर्मेशन हो, बस याद रखें टू में आर्ट्स, थ्री में आउटपुट। एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं आपको, फिर सारे वेरियंस निकाल के दिखा। स्टैंडर्ड एक्चुअल, स्टैंडर्ड को हम बजट भी बोलते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स, सपोज 1 लाख, सपोज 1,20,000, आवर्स इन अ डे 8,000, सारे वर्कर्स 8,400 फॉर ऑल वर्कर्स, सारे वर्कर्स के मिला के नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ 25, 26, नंबर ऑफ यूनिट्स पर डे पर वर्कर इज 1 या 1.2। अब मैं आपको वीओ 1, वीओ 2 और वीओ 3 निकाल के दिखा देता हूं। सबसे पहले वीओ 1 एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स 1,20,000। वीओ 2 स्टैंडर्ड ओवरहेड्स अपॉन स्टैंडर्ड आर्स, 8,000 नहीं लेने, इनटू 25। हाँ अगर ये आर्स पर मंथ ही होता फिर तो ठीक ही था, तो 8,000 इनटू 25 2,00,000, इनटू 8,400 इनटू 26 218,400, 1 lakh divided by 2 lakh into 218,400. VO3 1 lakh divided by units per day 1 into 25 into 8,000, 8,000 into 25 into 1 is 2 lakh, into 8,400 into 26 into 1.2, 262,080. 1 lakh divided by 2 lakh into 262,080, मेरा आंसर आ गया 131,040। पता लगा 8,000 25 दिन है, 8,400 26 दिन है, यहां जो नंबर ऑफ यूनिट्स है पर डे पर वर्क कर रही है, नहीं ये सारे वर्कर्स के मिला के है 1,800 पर डे, दिस इज आवर्स, नहीं दिस इज नॉट पर डे, दिस इज पर आवर, एक घंटे में एक दिन में 1 into 8, ये टोटल हो गए, ठीक है 8,000 आवर्स है टोटल हो गए, इंटू 25 डेज भी हैं। तो ये ध्यान रखना है जब भी नीचे लेना है तो टोटल लेना है। अब आप निकाल सकते हो टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस। पहले कॉस्ट वेरियंस क्या फॉर्मूला है, इट इज वीओ 3 माइनस वीओ 1 माइनस 120 किया, वीओ 3 माइनस वीओ 1 131,040 माइनस 120 इट इज 11,040 फेवरेबल एफिशिएंसी वेरियंस। फॉर्मूला क्या है, वीओ 3 माइनस वीओ 2 21,840 फेवरेबल एक्सपेंडिचर वेरियंस, इट इज वीओ 2 माइनस वीओ 1 10,800 एडवर्स।
और आपको पता है इन दोनों का सम टोटल इसके साथ टैली होना चाहिए, चेक कर ले 21840 फेवरेबल माइनस 10800 एडवर्स 11040, मतलब दीज टू वेरियंस इनका जो सम टोटल है वो कॉस्ट वेरियंस के इक्वल होता है। तो बस गलती कहां होती है, सिर्फ आर्स नहीं लेने इनटू डेज भी लेने हैं, सिर्फ यूनिट नहीं लेने इनटू आर्स इनटू डेज भी लेने हैं। अगर यहां लिख देता पर मंथ ही वन यूनिट है, हो नहीं सकता वैसे तो सिर्फ फिर वन ही ले देते। तो ये वीओ वन वीओ टू वीओ थ्री पहले कैलकुलेट करके रख लो और आप अपने सारे फॉर्मूलोज में पुट करके देखोगे तो बड़े इजीली निकल जाएगा, अदरवाइज फॉर्मूले याद करना बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको फिक्स्ड ओवरहेड भी करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।